फ्रेंड्स, एट का इस्तेमाल हम निश्चित समय का बोध कराने के लिए करते हैं, यानी प्रॉक्सिमिटी इन टाइम। जैसे अगर लिखा हो 4 बजे तो यह एक निश्चित समय है, यानी सर्टेन टाइम है, इसीलिए हम कहेंगे एट 4 o'clock। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो वह 9 बजे आया तो आप कहेंगे ही केम एट 9 o'clock। वह 3 बजे चली गई तो आप कहेंगे सी मूव्ड एट 3 o'clock, यानी वह 3 बजे चली गई। तो फ्रेंड्स, जब बात प्रॉक्सिमिटी इन टाइम की हो, यानी एक निश्चित टाइम की हो, एक सर्टेन टाइम की हो, तो हम वहाँ पर एट का इस्तेमाल करते हैं। आइए फ्रेंड्स, दूसरा रूल देखें। छोटे छोटे स्थान के लिए, यानी प्रॉक्सिमिटी इन प्लेस, हम एट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही लिव्स एट बेल्थ्रा रोड। बेल्थ्रा रोड एक छोटा जगह है, इसलिए मैंने एट का इस्तेमाल किया। सी लिव्स एट मधुबनी। मधुबनी एक छोटा जगह है, इसलिए मैंने कहा एट मधुबनी। तो फ्रेंड्स, छोटे छोटे शहरों के लिए या गांव के लिए हम एट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपको बता दूं कि बड़े बड़े शहरों के लिए हम इन का इस्तेमाल करते हैं। ये बात हम इन वाले लेसन में सीखेंगे। आइए अब तीसरा रूल देखें। इंडिकेटिंग प्राइस रेट एंड स्पीड, हम एट का इस्तेमाल करते हैं। यानी जब हम प्राइस रेट या स्पीड की तरफ इंडिकेट करते हैं तो हम वहाँ पर एट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे राइस सेल्स एट RS 10 अ किलो, यानी चावल 10 रुपया किलो बिकता है। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा कि प्राइस को इंडिकेट करने के लिए मैंने एट का इस्तेमाल किया। आई बॉट दिस कोट एट 25% डिस्काउंट, यहाँ पर रेट को इंडिकेट करने के लिए मैंने एट का इस्तेमाल किया। तो फ्रेंड्स, प्राइस रेट या स्पीड को इंडिकेट करने के लिए हम एट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर आपको कहना हो ही ड्राइव्स एट 40 किलोमीटर पर आवर, यानी वह 40 किलोमीटर के रफ्तार से चलाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई कि प्राइस रेट और स्पीड को इंडिकेट करने के लिए हम एट का इस्तेमाल करते हैं। आइए फ्रेंड्स, कुछ और रूल्स देखते हैं। दिशा या लक्ष्य का बोध कराने के लिए हम एट का इस्तेमाल करते हैं, यानी प्रॉक्सिमिटी इन एम आर डायरेक्शन वी यूज एट। जैसे सी इज लुकिंग एट मी, इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ कि वह मेरी तरफ देख रही है या वह मुझ पर देख रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने डायरेक्शन की बात किया कि वह मेरी दिशा में देख रही है या वो मेरी डायरेक्शन में देख रही है। तो फ्रेंड्स, जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो एट का इस्तेमाल करते हैं। सडनली द डॉग रश्ड एट हिम, अचानक कुत्ता उस पर कूदा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एट से डायरेक्शन बताया कि कुत्ते ने उसकी तरफ कूदा या उसकी डायरेक्शन में कूदा। ही एम्ड हिज गन एट द थीफ, वह चोर पर निशाना लगाया या वह चोर पर निशाना साधा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लक्ष्य की बात किया, यानी एम की बात किया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप ये बात याद रखेंगे कि जब बात हम दिशा या लक्ष्य, यानी एम या डायरेक्शन की करें तो हम एट का इस्तेमाल करते हैं। आइए फ्रेंड्स, अगला रूल देखें। इंडिकेटिंग अ कंटीन्यूअस एक्टिविटी नॉट परमानेंट। फ्रेंड्स, अगर हम किसी ऐसी कंटीन्यूअस एक्टिविटी की तरफ इशारा करें, यानी एक ऐसी काम की तरफ इशारा करें जो लगातार जारी हो, तो हम एट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर आप खास बात ये याद रखेंगे कि वह काम परमानेंट नहीं होना चाहिए, अस्थाई नहीं होनी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, कुछ काम अस्थाई होता है और कुछ काम अस्थाई, यानी कुछ काम परमानेंट होता है और कुछ काम टेम्पररी। तो अगर आप किसी ऐसे कंटीन्यूअस एक्टिविटी की बात कर रहे हैं जो परमानेंट नहीं है, तो आप एट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे चिल्ड्रेन आर एट प्ले, बच्चे खेल रहे हैं या बच्चे खेल पर हैं। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ कंटीन्यूअस एक्टिविटी की बात किया जो परमानेंट नहीं है। दे आर एट वर्क, वे लोग काम पर हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक कंटीन्यूअस एक्टिविटी की बात किया जो परमानेंट नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि अगर आप कोई ऐसी कंटीन्यूअस एक्टिविटी की बात करें जो परमानेंट नहीं हो, तो आप एट का इस्तेमाल करेंगे। उम्र बताने के लिए हम एट का इस्तेमाल करते हैं, यानी एज बताने के लिए हम एट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सी लेफ्ट अ स्कूल एट 10, वह 10 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एज बताने के लिए एट का इस्तेमाल किया। सी डाइड एट 13। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको एट का इस्तेमाल शानदार तरीके से समझ। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।